हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट दही वड़ा, बिना दाल के, बिना गलाए और बिना पीस। बट उससे पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और आपको हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगा तो वीडियो के आखिरी में कमेंट करना ना भूलें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, और रेसिपी को स्टार्ट करते हुए फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर दो ब्रेड ले ली हैं, और ब्रेड को एक ग्राइंडिंग जार में हम इस तरीके से कट कर लेंगे और कट करके डाल लेंगे, और अब उन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद उसे हम एक बाउल में निकालेंगे। ये देखिए कितना बारीक ग्राइंड हो गया है, अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लिया है और कम्प्लीटली रेडी हो गया है। अब हम उसमें बॉइल्ड पोटैटो ले लिए हैं, मैश करके उन्हें ऐड कर देंगे। दोनों को इक्वली ले लिया है, और एक कप हमने ऑनियन कट कर करके ले लिया है तो उसे भी हम पोटैटो में ऐड करेंगे। और ये एक कप हमने कैरेट ले लिया है, उसे ग्रेट करके ले लिया है, उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। एक चम्मच हमने यहाँ पर हरी मिर्च ले ली है, उसे रफली चॉप कर सकते हैं या फिर ग्राइंड कर लें। एक चम्मच हमने यहाँ पर नमक ले लिया है, और एक चम्मच हमने यहाँ पर गार्लिक पेस्ट ले लिया है, इसे आप रफली चॉप कर सकते हैं या फिर ग्राइंड कर सकते हैं। और कुछ कोरिएंडर लीव्स ले ली हैं जिन्हें हमने क्लीन करके कट कर लिया है। सब कुछ डालने के बाद में अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर को हाथों से कंफर्टेबली बहुत अच्छे तरीके से हाथों से मसल के मिक्स कर लें, तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो इस तरीके से एक छोटा पोर्शन लेके हमें बॉल्स बनाना है, ये देखिए। और इस तरीके से पोर्शन लेके सारे हम बॉल इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। ये दही बड़ा बना रहे हैं इसलिए बॉल्स हम थोड़े से बड़े साइज़ में बनाएंगे। तो सारे बॉल्स इक्वली हमने सिंपल रेडी कर लिए हैं, और अब हमने मीडियम हीट फ्लेम पे डीप फ्राइंग के लिए तेल को गरम कर लिया है। तेल हमारा गरम हो गया है, और अब हम उसमें बॉल्स डालना शुरू करेंगे। मीडियम हाई फ्लेम रखा है, और हाई फ्लेम पर तेल गरम होने पर इस तरीके से सारे बॉल्स डाल लें, और फिर अब हम उन्हें कंटिन्यूसली हल्के से हिलाते जाएंगे ताकि वो एक जगह से ज़्यादा ना पके। हल्के से हिलाएंगे ताकि वो हर कॉर्नर से बहुत अच्छे से पक जाए। हमें उन्हें तब तक पकाना है तब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बहुत ही कम समय लगेगा और ये जल्दी से रेडी हो जाएंगे। तो सारे हमारे बॉल्स रेडी हो गए हैं और कुक हो गए हैं, तो हमें उन्हें निकाल लेंगे, और एक्स्ट्रा जो एक्सेस ऑयल उसे भी निकाल लेंगे। तो बॉल्स हमारे रेडी हैं, तो बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। हमने यहाँ पर गाढ़ा 2 कप का दही ले लिया है, और दही में हम आधा चम्मच नमक मिलाएंगे, और 2 चम्मच हम पीसी हुई शक्कर ले ली है, शुगर पाउडर, उसे हम ऐड कर देंगे। और शुगर मिलाने के बाद में 1 सेकेंड के लिए ग्राइंडर कर लें ताकि कर्ड हमारा परफेक्ट हो जाएगा। तो ग्राइंडर हो गया है और कर्ड हमारा रेडी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने एक प्लेट में दही बड़े ले लिए हैं, और बॉल्स के ऊपर अब हम दही डालने वाले हैं। तो गाढ़ा दही इस तरीके से हमने इस पर डाल लिया है, और अब हम उस पर डालने वाले हैं रेड चिली पाउडर। तो रेड चिली पाउडर को हल्का हल्का सा सारे बॉल्स पर डाल लें, और उसके बाद अब हम डालने वाले हैं ग्रीन चटनी। ग्रीन कोरिएंडर स्पाइसी चटनी है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे हम सैंडविच में सब में यूज़ करते हैं, एज इट इज़ आप इसको स्पाइसी बनाने के लिए ग्रीन चटनी यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमने ले ली है टर्मरिन जागरीवा की स्वीट चटनी, ये खट्टी मिट्टी बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसे हम कचौरी चाट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हमने दही वड़े के लिए भी यूज़ किया है। और अब हम उसमें डालने वाले क्रंची नमकीन सेव, इसका क्रंची टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, और इसके ऊपर हम डाल देंगे हल्की सी क्रिस्पी बूंदी। आखिरी में हम यहाँ पर इस पर गार्निश करने वाले हैं कोरिएंडर लीव्स चॉप करके, हल्का सा टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा उसका। तो डाल ली है, और डिलीशियस एंड टेस्टी दही वड़े हमारे रेडी हो गए हैं। दिखने में बहुत ही मज़ेदार, खाने में बहुत ही टेस्टी, आप एक बार ट्राई करें, जल्दी बन जाते हैं। और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके दही भल्ले कैसे बने हैं।
इस वीडियो के आखिरी में और से रिलेटेड और भी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। अगर उसमें से कोई रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ विज़िट करें, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहें रुचि फूड एंड वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।